हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका तिवारी किचन ब्लॉग। तिवारी प्रियंका किचन ब्लॉग कोई भी आप सर्च करेंगे मेरा चैनल आएगा। हर हर महादेव भोलेनाथ की कृपा आप लोग पे बनी रहे। मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हो कमेंट करना। और कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं करते आप लोग, प्लीज़ कमेंट करना। और जितने भी कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे उनको मेरा धन्यवाद मेरी तरफ से। एक दीदी ने कमेंट किया था कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, उनके लिए थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, आज किचन रिलेटेड ब्लॉग, डेली फैमिली ब्लॉग। तो ये थोड़ी सी क्लिप मैंने ली थी फैमिली के साथ। मेरे हस्बैंड है, ये पीछे मेरी एक्टिंग करती हुई मेरी छोटी सी गुड़िया जो हमारे रील्स में एक्टिंग करती है, और मैं से ज़्यादा अच्छा एक्टिंग कर लेती है ये। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। मैं सुबह सुबह मॉर्निंग का समय है, मैं नहा धो के पूजा कर रही हूँ और आरती कर रही थी मैं। आप किस देवी देवता को मानते हैं प्लीज़ बताना, कमेंट करना। मैं भोलेनाथ को ज़्यादा मानती हूँ शुरू से। और अभी हारे का सहार है खाटू श्याम हमारा, इनकी कृपा सब पे बनी रहे, आप लोग पे बनी रहे। काफ़ी हारे के सहारे हैं ये, इनकी पूजा कर रही हूँ मैं, आरती होगी। मैं मेरे रेगुलर ऐसे ही पूजा करती हूँ, कम से कम आधा घंटा तो लगता ही है पूजा करने में। तो पहले हम ज़रूरी काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ, उसके बाद आधा घंटा तो पूजा करने में लग जाता है कि आरती वगैरह होती है। जल वगैरह देती हूँ तुलसी माता को और प्रसाद भोग वगैरह लगाती हूँ। सूर्य भगवान को जल देना चाहिए आप लोगों को सबको। तो बहुत लोग ये कमेंट करेंगे कि नहीं हम तो भगवान को नहीं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम तो भगवान को नहीं मानते। फिर आप क्या, आप सान कौन से सनातनी हैं जो भगवान को नहीं मानते। तो ये बैठ के मैं कुछ श्लोक्स वगैरह पढ़ती हूँ, बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ, तो उसकी क्लिप्स है। और कोई भी धर्म हो कोई भी जात हो, भगवान पे विश्वास तो रखना ही चाहिए, क्योंकि भगवान पे विश्वास रखने से हमें अपने दुखों में एक सहारा मिलता है, एक उम्मीद मिलती है, इसलिए हमें पूजा वगैरह करनी चाहिए। तो मैं आ गई किचन में और ये बना रही हूँ मैं पालक की न्यू रेसिपी, पालक की यूनिक सी सब्ज़ी। तो ये पालक मैंने ऐसे कट कर लिया है, साफ़ करके धो लिया अच्छी तरह से, और मैंने रखा है कढ़ाई। इसमें दो आलू काटे हैं मैं पतले पतले कच्चे, बॉयल नहीं किया आलू को, और ये पालक भी मैं बॉयल नहीं करूँगी, ऐसे ही बनाऊँगी कच्चा ही। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, बॉयल करने के बाद सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। तो मैंने आज ऐसे ही बनाने का सोचा, आलू को भी ऐसे ही बॉयल नहीं किया, ऐसे ही छौंक लगाया, बारीक बारीक काट लिया, और इसको ऐसे तेल में थोड़ा तेल डाला, इसमें जीरा डाला और आलू डायरेक्ट आलू डाल दिया। थोड़ी देर आलू को भूनेंगे गोल्डन ब्राउन धीमी आंच पे। और देखिए मैंने मिक्सी ग्राइंडर में इस पालक को पीस लिया, ग्राइंड कर लिया है। तो अब इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। और जो टमाटर, दो टमाटर लिया है मैंने, थोड़ा सा लहसुन की कलियां, चार पांच लहसुन की कलियां, थोड़ा अदरक का टुकड़ा, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा जीरा डाल के मैं थोड़े से तेल में इनको थोड़ा गलाऊंगी, बस इनको गलाना है, थोड़ा सा गल जाए फिर इनको ग्राइंड करना है। इसे काफ़ी अच्छी स्वादिष्ट सब्ज़ी बन के रेडी होगी, एकदम पनीर पालक पनीर जैसी रेस्टोरेंट टाइप। तो इस तरीके से बनाएं आप, काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो देखो इसको सारे सारी
टमाटर और लहसुन को ऐसे ही मैंने इनमें ट्रांसफ़र किया है और इसको थोड़ी देर भुनेंगे धीमी आंच पर, जब तक कि मेरा गल रहा है तब तक हम दूसरा प्रिपरेशन कर लेते हैं फटाफट। एक तरफ मेरा आलू पक रहा है, इसको भी देख रही हूँ मैं साइड में, आलू भुन चुका है। अब मसाले की तैयारी है, इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो अब इसको चेक करती हूँ मैं कि कितना हो चुका है। तो ये गल चुका है, अब इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब आपको इसको मसाले को भूनना है और उसके में पालक ऐड कर देनी है और मसाले और पालक को अच्छे से पकाना है थोड़ी देर धीमी आंच पे। देखिए सारा मैंने ऐड कर दिया, थोड़ी देर पकाना है जब तक तेल ऊपर नहीं छोड़ता, जब तक इसको पकाते रहना है। और जब तक मैंने रायता बना लिया क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है और ऐसे कुछ खाने का जल्दी मन नहीं करता, तो थोड़ी ठंडी ठंडी सी चीज़ होती है तो उसके साथ रोटी खाने को आता है। तो थोड़ी सी दही थी मेरे पास, तो एक जीरा मैंने जीरा को खीरे को मैंने छिला रही है ऐसे सॉफ्ट था। और देखिए ये तेल ऊपर आ चुका है, मेरी सब्जी पक चुकी है, मसाले पक चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे आलू, आलू में सारे मसालों को ऐड कर देंगे। इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ, आपको पानी थोड़ा सा आपको गर्म पानी के और ज़्यादा पानी नहीं, मतलब ग्रेवी टाइप ही बनता है तो ये ग्रेवी टाइप ही रखें। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट ढाबा टाइप ढाबा स्टाइल। तो ऐसे बनाया सब्ज़ी, काफ़ी खाने में स्वादिष्ट लगती है। और पूरा प्रिपरेशन आपको मैं नेक्स्ट आगे देखती रहिए उसमें बताती हूँ। ये सब कुछ रेडी हो गया है मेरा, आलू पक रहा है, इसको कर लिया ट्रांसफ़र। फिर आपको शुरू से मैं बताती हूँ क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। ये सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, पकाए थे, कर दिए थे, इन सब को ऐसे करना है। उसके बाद इनको ग्राइंड कर लेना है। और जो आप लोगों ने देखा, देखिए मैं इसमें ग्राइंड करने में क्या डालती हूँ। एक प्याज डाला है मैंने, दो टमाटर, थोड़ी अदरक और हरी मिर्ची और पांच छह लहसुन की कलियाँ। देखिए प्याज मेरा सब एक साथ ही मैं डाल दिया, एक साथ गल जाएंगे ये टमाटर। आजकल बहुत ही ऐसे हार्ड से आते हैं, हार्ड तेल जो गलते नहीं हैं, तो इस तरह बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा खट्टा स्वाद आएगा और अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे सब्जी में। और अगर काट के डालते हैं तो वो ज़्यादा मिक्स नहीं हो पाते, तो मैं टमाटर को ऐसे अक्सर पीस लिया करती हूँ। तो थोड़ी देर पक रहा है, जब तक ये आपको मैंने क्लिप दिखाई है, इसके बाद वाली क्लिप मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, और कहाँ से आप देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो आप लोगों के एक लाइक और एक कमेंट से काफ़ी अच्छा लगता है, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है क्योंकि हम आगे वीडियो बना सकें। और कोई लाइक और कमेंट वगैरह करते नहीं है ना, तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। और वैसे ही मेरी वीडियो पे कम आते हैं व्यूज वगैरह, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये अगर वीडियो कोई ऐसा क्रिएटर करता ना, गंदे वीडियो बनाते, तो उनको भर भर के लाइक और शेयर कमेंट मिलते। लेकिन हम लोग तो मतलब अच्छे क्रिएटर हैं, अच्छे कंटेंट बनाते हैं, तो हमें कोई पसंद नहीं करता। तो डेली रूटीन का मेरा ये ब्लॉग्स होता है, फैमिली ब्लॉग्स है जो पूरी फैमिली देख सकती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। खाटू वाले श्याम की कृपा आप लोग पे बनी रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। और ये मैंने पीस लिया है, देखिए छौंक इसमें डाला है, मैं बताना भूल गई, मैं इसमें डाली ऑयल, जीरा और तेज पत्ता और दो लौंग,
इलायची और बाकी जो मैंने टमाटर वगैरह पीसा था ना, ग्राइंड किया था, उनको ऐड कर दिया है। ऊपर से डाल रही हूँ लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और फिर ये पालक को जो मैंने पीस के रखा था उसको ऐड कर दिया है। तो ये वाला पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा था इसलिए मैंने इसको रिपीट किया, जो आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। अब इनको अच्छी तरह से पकाना है, थोड़ी देर धीमी आँच पे, धीमी आँच पे पकाएं, क्योंकि तेज आँच पे करेंगे आप तो ये जल जाएगा और पकेगा भी नहीं। तो ऐसे बनाएं और स्वादिष्ट सब्जी बनेगी। दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजन पुत्र पड़े हैं चरण में कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजन पुत्र पड़े दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजन पुत्र पड़े हैं चरण में। जब इसे घर पे लेकर आया था तो ये सब सुनने को मिला था। ये किसे लेकर आ गया है? अभी के अभी घर के बाहर निकाल, इसकी पॉटी टॉयलेट को साफ करेगा। और आज देख लो।